और ये अगला 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट आपको हिलाएगा जरूर कि ये इंडिया ऑन लीज, हम कैसे लीज पे हैं, हमारी आजादी क्या है, एक संक्षिप्त में वो उस पर प्रकाश डालें। ये कैमरा बंद करिए। चेयरमैन कमीशन है हमारे देश की, क्या है कि जो 15 अगस्त 1947 आया तो एक समझौता हुआ पंडित नेहरू और माउंटबेटन के बीच में, वो समझौते का नाम है ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट, नाम ही है उसका ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट। वो एक एग्रीमेंट के नीचे 1500 छोटे छोटे समझौते हुए, शर्तें हैं वो। तो अंग्रेज कह रहे हैं कि ये मानोगे तो हम आजादी देंगे, ये मानोगे तो आजादी देंगे, ये मानोगे तो आजादी देंगे। तो ये आजादी अंग्रेजों द्वारा दी गई है, हमने ली नहीं है, क्योंकि आजादी लेने वाला जो वर्ग था वो 1947 तक खत्म हो चुका था। आजादी लेने वालों का वर्ग था भगत सिंह का, ऊधम सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, अशफाक उल्ला का, तात्या टोपे का, नाना साहब पेशवा का, ये लोग थे, लोकमान्य तिलक का। ये मानते थे कि हम आजादी लेंगे, लड़ कर लेंगे, झगड़ कर लेंगे और अंग्रेजों को मार के बनेंगे। दुर्भाग्य इस देश का ये हुआ कि 1947 तक इनमें से कोई नहीं बचा, ना भगत सिंह, ना ऊधम सिंह, ना चंद्रशेखर, ना कोई। तो फिर जो बचे वो सब मीडियोकर किस्म के थे। मीडियोकर शब्द आप अच्छे से समझते। तो इन्होंने अंग्रेजों को भगा के आजादी ली है, ऐसा नहीं है। अंग्रेजों ने कुछ दया के साथ और प्रेम और करुणा के साथ आजादी दी है, जिसको वो किसी भी दिन वापस ले सकते हैं। ये है समझौता, जिसको ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट कहते हैं। इसके सारे डॉक्यूमेंट्स लंदन में है, हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में। कुछ हिस्सा उसका मैं भी, मेरे पास भी है, लेकिन पूरा नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये भारत में सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएं। एक बार मेरा दिल है कि टीवी पर खोल खोल के सबको पढ़ाया जाए कि देखो ये क्या लिखा नेहरू जी ने, क्या कहा है माउंटबेटन। तो माउंटबेटन के शब्दों में और अंग्रेजों की भाषा में मैं अगर कहूं तो इंडिया इज ऑन लीज फॉर 99 ईयर्स, 99 साल की लीज पर है आपका देश। 99 साल जिस दिन पूरे हो जाए अंग्रेजों की औकात है कि वो आपसे वापस ले सकते। और चूंकि ये लीज का सारा खेल है, इसलिए आज तक भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने हमारे कानून बदले नहीं जो अंग्रेज बना गए, वैसे के वैसे ही है सारे कानून। वैसे इंडियन इनकम टैक्स एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ, आईपीसी इंडियन पिनल कोड अंग्रेजों का, सीआरपीसी अंग्रेजों का, सीपीसी अंग्रेजों का, इंडियन एजुकेशन एक्ट अंग्रेजों का, लैंड एक्विजिशन एक्ट अंग्रेजों का, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ, सब कुछ उनका बनाया हुआ है। और आज तक उसको इन्होंने मेंटेन किया है, इसको बदला नहीं है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है, इंग्लैंड की महारानी कभी भी हिंदुस्तान आए तो उसको वीजा की जरूरत नहीं है, बिना वीजा वो भारत आ सकती है, क्योंकि आप उनकी प्रॉपर्टी हैं। इंग्लैंड की महारानी जब भारत आती है तो यही माना जाता है कि वो अपने ही देश में जा रही है, इसलिए जब जब वो भारत आई है विदाउट वीजा आई है। वैसे तो उसको पासपोर्ट भी नहीं लगता है, यूरोप में बिना पासपोर्ट के वो जा सकती है, लेकिन भारत आने के लिए उसको भारत सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं है। वो कल फोन उठा के भारत के प्रधानमंत्री को कहे कि मैं भारत आना चाहती हूं तो किसी प्रधानमंत्री में दम नहीं है ये कहे कि नहीं आप मत आइए। अब मैं एक घटना सुनाता हूं। इंद्र कुमार गुजराल इस देश में प्राइम मिनिस्टर थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड का एक महत्वपूर्ण साल आया था उस समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप जानते हो 1919 में हुआ था, तो उसका एक महत्वपूर्ण साल आया था। उसी समय रानी ने कहा कि मैं आना चाहती हूं, तो इंद्र कुमार गुजराल पर दबाव डालने के लिए मैं और बहुत सारे लोग गए थे दिल्ली। उस समय मैं इलाहाबाद में रहता था, और ये कहने के लिए कि मत आने दो इसको, क्योंकि यही वो है जिसने जलियांवाला बाग कांड करवाया था। इसी रानी के आदेश पर गोली चली थी और डायर ने हजारों लोगों के ऊपर गोली चलाई थी जिसमें से सैकड़ों मारे गए। तो इंद्र कुमार गुजराल ने तका सा जवाब दिया था कि मैं ये नहीं रोक सकता, वो आएगी तो स्वागत ही करना है उसका। वो आई, पूरी भारत सरकार उसके स्वागत में लगी। वो रानी गई, अमृतसर गई, और जखे हुए मन जख्म हमारे जो उसने कुरेदे वहां जाते, और उसने अखबारों में स्टेटमेंट दिया कि मुझे नहीं लगता कि जलियांवाला बाग में कुछ गलत हुआ। जब कोई राजा होता है और कोई प्रजा होती है तो
तो कई बार प्रजा के ऊपर दंड देना पड़ जाता है। तो हमने कहा बात खत्म हो गई, अब आप हमेशा उसको याद करते रहे, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। ये उसका अमृतसर के पत्रकारों को दिया हुआ बयान था, ये छपा अखबारों में। हम लोगों को इतना गुस्सा आया, हमने कहा कि ये इंद्र कुमार गुजराल का मुंह काला करेंगे। तो पुलिस को भनक लग गई और हम लोग सब अरेस्ट हो गए, वरना हम मुंह काला करने के लिए ही जा रहे थे उसके दिल्ली में, कि ऐसा हरामखोर प्राइम मिनिस्टर है जो देश की इज्जत और सम्मान को दांव पे लगा के बैठा। अब इंद्र कुमार गुजराल रिटायर है, अब हम उनको मिलते हैं कभी भी दिल्ली में, तो वो मुझे कहते हैं कि आप भी प्राइम मिनिस्टर हो जाओगे तो यही करोगे, आप भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कानून से हम बने हुए हैं, वो कानून वही है, इंडिया इज ऑन लीव। तो मैं कहता हूं खुल के कहो इसको देश में, तो कहते हैं नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? बगावत हो जाएगी। तो हो जाने दो बगावत, 1857 में हुई थी, और एक बार बगावत हो जाएगी, कम से कम दूध का दूध पानी का पानी तो हो जाएगा, ये अधकचरे हम लटके हुए तो नहीं रहेंगे। तो उनका इतनी हिम्मत किसमें है आज, ये है। अब हमारे यहां इतनी खराबी है इस लेवल पे कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, हाई कोर्ट का कोई जज ऐसा कोई फैसला दे जिसका कानून भारत में ना हो, तो हमेशा वो लंदन के फैसले को ही आधार बना के जजमेंट देता है। मान लो कोई फैसला देना है सुप्रीम कोर्ट को, उसका कोई कानून हमारे देश में नहीं है, तो आधार फिर लंदन से मंगाया जाता है कि वहां का कोर्ट क्या कहता है, उसको बेस करके यहां जजमेंट दिए जाते हैं। और इसी कारण कोई भी कोर्ट जजमेंट अंग्रेजी में ही देता है, भले वो गुजरात में चले या केरल में चले। इसका मतलब तो ये हो गया कि अमेरिका से भी हम बड़े ब्रिटिश चला रहे हैं कि हम वहां जा रहे हैं। ये नेताओं से पूछने की जरूरत है। 15 अगस्त मनाते हैं हर साल, तिरंगा झंडा फहराते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, बच्चों को कहा जाता है लड्डू खाने को आ जाओ, वो लड्डू ही है बाकी कुछ नहीं, वो आजादी वाजादी तो सब कहीं रखी हुई है। क्योंकि एक काम हम ऐसा नहीं कर पाए इस देश में कि अंग्रेजों ने जो हमारे साथ समझौता कर दिया उसको जला के नहीं फेंक पाए 60 साल में। और क्या करेंगे, वो समझौते की कॉपी यहां कुछ है, कुछ लंदन में पड़ी हुई। वो कर देंगे क्लेम किसी दिन, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए अभी उन्होंने क्लेम नहीं किया क्योंकि उनको मालूम है कि उनके देश में जो कुछ वो चाहते हैं वो हो ही रहा है। यहां जो जो कुछ ब्रिटिश चाहते हैं वही तो हो रहा है इस देश में। तो अगर मान लो वो ये तय कर लें आज, क्योंकि उनकी व्हाट यू आर सेइंग कि ब्रिटिश जो जा रहे हैं वो हो रहा है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ कॉमर्स वैल्यू सिस्टम ऑल दैट। पॉलिटिकल उनको लगता है कि भारत को अभी हैंडल कर नहीं सकते क्योंकि फाइनेंशियली बहुत कमजोर है। 1947 में भी भारत उन्होंने छोड़ा तो इसलिए नहीं छोड़ा कि उनके दिल में हमारे प्रति सद्भावना थी, इसलिए छोड़ा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतनी पिटाई हो चुकी थी उनकी कि भारत को साथ रखना उनके लिए संभव नहीं था। हांगकॉन्ग का 99 ईयर्स का लीज था, वो तो उनको देना पड़ता। हाँ, तो हमारा भी 99 साल पूरा होगा तब जाके कोई फैसला होगा, तब तक तो ये पर्दा ही पड़ा हुआ। हिंदुस्तान के नेता बात नहीं करना चाहते इस विषय। हांगकांग का जो बहस डिबेट हुआ था वो 10 साल पहले से चालू है कि कैसे ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, चाइना में जाएगा कि उसका इंडिपेंडेंस रहेगा। सो ऑल दैट थिंग स्टार्टेड हैपनिंग 10 ईयर्स बैक बिफोर इट वाज हैंडेड ओवर। सो आई मीन दिस इज अ वेरी बिग इश्यू व्हाट यू से। 1943 में हमारे यहां भी स्टार्ट हो गया ये सब कि भारत आजाद होगा तो किन कंडीशंस पर होगा, क्या रहेगा भारत में क्या नहीं रहेगा। इस पर योर रिविलेशन बहुत बड़ा इशू है। और ये बिग इशू को खोलने के लिए मेरी बहुत दिल की इच्छा है कि कोई ऐसा चैनल मुझे मिले जो फ्री हैंड दे, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स में चैनल पे दिखाना चाहता हूं। या तो भारत सरकार डिनाई करे कि ये डॉक्यूमेंट्स झूठे हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने हम बात करें कि आपके यहां रखे हुए अगर डॉक्यूमेंट झूठे तो आप कहो कि ये झूठे हैं। आपने कोई चैनल से बात किया है इस पर? किया था ना आस्था चैनल से, थोड़े दिन उनके यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उन्हीं में उनको पसीना आ गया। एक छोटा सा डॉक्यूमेंट मैंने दिखा दिया कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई थी, तो उसी में वो किरीट भाई को इतनी तकलीफ हो गई, उन्होंने कहा राजीव भाई आपका तो कोई ना बीवी है ना बच्चा, मेरे तो बीवी बच्चे हैं, मेरा ये लाइसेंस कैंसिल हो गया तो मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा, आप कृपया करके इतनी खतरनाक और विस्फोटक चीजें मत दिखाइए, आप कुछ ऐसी बातें करिए जैसे रामदेव जी करते हैं, योग प्राणायाम धर्म ध्यान समाधि धारणा,
ये दोस्तों सोमवार से मंगलवार में हम पहुंच चुके हैं। गांधी जी का कल बलसर कॉलेज धर्मपुर कॉलेज में तो प्रोग्राम है। मुझे कादर खान वाली बीमारी है, रात तो दिखता नहीं, इनको बलसर सेफ ले जाना, ये राष्ट्र की संपत्ति है। जोरदार तालियों में दूसरी बार वापसी में आप बुलाएंगे। मेरा वादन।